हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोंगकुक मन में सोचता है, क्या मैं सो गया था। जोंगकुक मोबाइल हाथ में लेकर टाइम चेक करता है। ऑलरेडी शाम के 7:30 बज चुका था। जोंगकुक फोन हाथ में लेकर बेड पर उठकर बैठ जाता है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, आई डोंट नो, मुझे कुछ दिनों से इतना नींद क्यों आ रहा है। जोंगकुक अपने डॉक्टर को मैसेज करता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा नींद आता है और बहुत थकान भी महसूस होता है, जैसा मुझे आयन के टाइम पर फील हुआ था। तुरंत डॉक्टर का रिप्लाई आता है, टेंशन मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए वापस से तुम ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो और टाइम पर खाना खाना मत भूलना। जोंगकुक मैसेज करता है, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, खाने को देखकर ही मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता है। डॉक्टर जोंगकुक को कॉल करता है। जोंगकुक कॉल रिसीव कर फ़ोन स्क्रीन पर फिंगर से टैप करने लगता है। दूसरी साइड से डॉक्टर कहता है, जोंगकुक लिसन टू मी, शुरुआती दिनों में ऐसा होगा, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जो मेडिसिन दिया है तुम इसे टाइम पर लेते रहना। फिर एक हफ्ते के बाद तेयंग के साथ दोबारा चेकअप के लिए हॉस्पिटल आ जाना। मुझे उम्मीद है तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम फिक्स्ड हो जाएगा। जोंगकुक फ़ोन पर टैप करता है। डॉक्टर कहता है, ओके बाय, अब तुम आराम करो। जोंगकुक मोबाइल बेड पर छोड़कर फ्रेश होने बाथरूम आ जाता है। ड्रेस चेंज करने के बाद जोंगकुक सबके साथ डिनर के लिए डाइनिंग रूम में एंटर करता है। जोंगकुक को देखकर आयन बेबी लैंग्वेज में कहता है, मम्मा, जो ओल्ड मिस्टर किम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ओल्ड मिस्टर किम सर्वेंट पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते, तुमसे एक बच्चा तक हैंडल नहीं हो रहा। कब से मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम उसे ठीक से फिट नहीं कर पा रहे हो। जोंगकुक भागते हुए आयन के पास जाने लगता है। तभी तेयंग के लाउड वॉइस से सब डर जाता है। यहाँ तक मिस्टर किम भी चौंक गया था। तेयंग एंग्री टोन में कहता है, तुम भाग क्यों रहे हो बेवकूफ, सब यहाँ खाना खा रहे हैं, तुम इतना नॉइज क्यों क्रिएट कर रहे हो। असल में तेयंग को इस बात से गुस्सा थी कि जोंगकुक प्रेग्नेंट होकर खुद का ख्याल ठीक से नहीं रख रहा है। वो इस हालत में भागकर खुद के लिए सिचुएशन डिफिकल्ट बना रहा है। जोंगकुक तुरंत सर झुकाकर माफ़ी मांगने लगता है। जोंगकुक के आंखों में आंसू था। उसे इस बात से बुरा लगा कि तेयंग उसे सबके सामने डांट दिया। जोंगकुक नैनी से इशारों में कहता है, डोंट वरी, मैं आयन को फिट करा दूंगा। ओल्ड मिस्टर किम भी यही चाहते थे कि जोंगकुक उनके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना ना खाए। वो जोंगकुक के साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर और बिना बात के मेट को डांट दिया। ओल्ड मिस्टर किम कहता है, सब लोग खाना शुरू करो। जोंगकुक मन में कहता है, मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं तेयंग के फादर से डिनर के टाइम पर ना टकराऊ। आयन को फिट कराने के बाद जोंगकुक बेबी टिश्यू से आयन के माउथ वाइप कर उसे नैनी के गोद में दे दिया। तेयंग कहता है, अगर तुम्हारा हो गया है तो बैठकर डिनर कर लो। तेयंग को इतनी प्यार से जोंगकुक से बात करते देखकर मिस्टर किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, अपने गुस्से को पी लिया और टेबल से उठकर खड़े होकर कहता है, गुड नाइट एवरीबॉडी। मिसेस किम कहती है, हनी, तुमने तो खाना प्लेट पर ऐसे ही छोड़ दिया है। ओल्ड मिस्टर किम कहता है, जितना खाना था मैंने खा लिया है, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। तुम लोग फूड को इंजॉय करो, मैं ऑलरेडी स्लीपी महसूस कर रहा हूँ, अगर अभी बेड पर नहीं गया तो यही टेबल पर ही सो जाऊँगा। तेयंग कहता है, गुड नाइट डैड। मिस्टर किम कहता है, गुड नाइट। सबके चले जाने के बाद तेयंग जोंगकुक के तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो, क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम, क्या तुम अपने तरह मेरे चाइल्ड को भी डम बनाना चाहते हो, तुम भाग क्यों रहे थे। जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, आई एम सॉरी। तेयंग टेबल में उसे अकेला छोड़कर कमरे की ओर जाने लगता है। तेयंग के जाते ही जोंगकुक माउथ पर हाथ रखकर भागते हुए वॉश बेसिन के पास आकर वॉमिट करने लगता है। बहुत टाइम से जोंगकुक इसे रोक कर बैठा था। जब उसे थोड़ा बेटर फील होता है,
जंगकुक किचन आकर अपने फादर इन लॉ के लिए इलायची वाली मिल्क तैयार कर ट्रे में रखकर इसे उनके कमरे में लेकर जाने लगता है। मिस्टर किम और मिसेस किम कल के फंक्शन को लेकर डिस्कस कर रहा था, तभी जंगकुक डोर पर नॉक करता है। मिसेस किम कहती है, कम इन। जैसे ही जंगकुक अंदर एंटर करता है, मिस्टर किम उसे देखकर अपने आंखें ऊपर कर लेता है। जंगकुक ट्रे बेडसाइड टेबल के पास रखकर इशारों में मिस्टर किम को समझाने की कोशिश करने लगता है, डैड ये आपके लिए है, इसे मैंने खुद बनाया है आपके लिए, इसमें बहुत सारे इलायची डालकर बनाया है। मिस्टर किम गंभीर आवाज़ में कहता है, जब भी मैं इस लड़के को देखता हूँ मुझे घुटन महसूस होता है, मैं इसे अपने कमरे में नहीं देखना चाहता, उसे जाने के लिए कहो। जंगकुक रोते हुए कमरे से बाहर आ जाता है। तयंग उसे रोते देख सीधा अपने डैड के कमरे में आकर कहता है, डैड आई नो जंगकुक आपको पसंद नहीं है, पसंद नहीं हो तो बात मत करो, उसे हर्ट क्यों कर रहे हो आप, आपके पास उसे हर्ट करने का राइट नहीं है, ये राइट मैंने किसी और को नहीं दिया, उसे हर्ट करने का और दर्द देने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है, ऐसा सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं। ये कहकर तयंग अपने डैड के कमरे से बाहर आकर जंगकुक को ढूंढने लगता है। तयंग सीढ़ियों से नीचे आते हुए जंगकुक को किचन में एंटर करते देखकर खुद भी किचन में आ जाता है। जंगकुक जो झुक कर फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था, तभी तयंग पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा खड़े करके कहता है, क्या तुम इस बारे में जानते हो, कल इवनिंग में हमें एक शादी अटेंड करने जाना है, राइट, कल सुबह जल्दी उठकर मुझे ऑफिस के लिए यहाँ से निकलना है, मैं सीधा ऑफिस से शादी में ज्वाइन करूँगा, मैं 4 बजे तुम्हारे लिए कार भेज दूँगा, ये मेरे सेकेंड कजिन ब्रदर की शादी है, अंकल और आंटी हमारे शादी में अपने पूरे फैमिली के साथ आए थे, इसलिए हमें भी शादी में जाना होगा। जंगकुक वाइडन आइज से तयंग को घूरते हुए इशारों में कहता है, नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मैं घर पर ही ठीक हूँ। तयंग फिंगर से जंगकुक के फोरहेड पर जोर से टैप करके कहता है, क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम जा सकते हो या नहीं, तुम जाना चाहते हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वहाँ जाना ही होगा, इट्स फाइनल, डरो मत, ये इतना बुरा भी नहीं है, वहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। जंगकुक पानी की बोतल हाथ में लेकर काउंटर के पास खड़े थे। तयंग हाथ में ग्लास लिए जंगकुक के पीछे आकर खड़े हो जाता है। तयंग पीछे से झुककर जंगकुक के हाथ से बोतल लेकर पानी ग्लास में पोर करने लगता है। तयंग के झुकने से जंगकुक अपने बैग पर तयंग के चेस्ट प्रेस होते हुए महसूस करने लगता है। जंगकुक के हाथ शेक करने लगता है। उसे अपने नेक के पीछे तयंग के गर्म सांसें महसूस हो रहा था। जंगकुक आंखें बंद कर अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। तयंग पानी पीकर ग्लास काउंटर के ऊपर रखकर फिर से कहता है, चिंता मत करो, एक हाउस वेडिंग है और मैंने सुना है कि शादी एक अच्छी प्लेस पर हो रहा है। जंगकुक मन में सोचता है, अचानक तय मुझसे इतनी अच्छी तरह से क्यों बात कर रहा है, क्या वो मेरे साथ ठीक हो रहा है या तयंग ये सब सिर्फ बेबी के लिए कर रहा है। हम दोनों के बीच एक दीवार है, एक बाउंड्री जिसे तय खुद हम दोनों के बीच में सेट किया है, और एक रूल्स, जिस दिन तय से शादी करके मैं इस घर में आया उसने घर में हम दोनों के लिए अलग अलग जगह बना दिया था, मुझे उसके जोन में जाने की परमिशन नहीं है। तयंग कहता है, कैन यू हेयर मी। जंगकुक अपने सोच से बाहर आकर हेड चेक करता है। तयंग कहता है, ठीक है अब कमरे में जाकर रेस्ट करो। जंगकुक ठीक है कहकर कमरे की ओर जाने लगता है। जंगकुक कमरे में आकर बेड पर लेटकर कल के बारे में सोचने लगता है। सोचते हुए उसे नींद आ जाता है। नेक्स्ट डे तयंग जंगकुक को लेने के लिए कार भेजता है। तयंग उसे मैसेज करता है, मैंने तुम्हारे लिए कार भेज दिया है, जल्दी से तैयार होकर शादी में पहुंचो। जंगकुक तैयार होकर ड्राइवर के साथ वेडिंग प्लेस पर पहुंच जाता है। कार से निकलकर जंगकुक तयंग को सामने खड़े देखकर स्माइल करता है। तयंग कोल्डली कहता है, लेट्स गो। शादी के कंप्लीट होने के बाद सब साथ में डिनर करने बैठे थे, तभी तयंग के कजिन ब्रदर जेहुब कहता है, तयंग शादी में आने के लिए थैंक यू, मैं सच में बहुत खुश हूँ,
क्या तुम अपने साथ जोंगकुक को भी लेकर आए हो? तैयांग कहता है, हाँ, ये तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है, तुम शादी करके बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस आयरा। आयरा कहती है, थैंक यू तैयांग। आयरा जेहूब के सामने देखकर स्माइल करती है। तैयांग कहता है, हाँ, तुम दोनों खुश क्यों नहीं होगे? आखिरकार तुम जिसे प्यार करते हो, तुम्हारी शादी उससे हो रहा है, इसीलिए तुम दोनों खुश दिखाई दे रहे हो। तभी तैयांग के आंटी बीच में तैयांग के बात काटते हुए कहती हैं, जोंगकुक, तुम दोनों के शादी के अब बहुत टाइम हो गया है और अब आयान भी चलना शुरू कर दिया है, तुम दोनों फिर से बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो? बेबी के बाद से जोंगकुक ब्लश करने लगता है। तैयांग कहता है, आयान अभी छोटा है आंटी। आंटी कहती हैं, आयान अब अपना भी छोटा नहीं है, और ऐसे भी आयान का देखभाल तो नैनी सी करता है। जोंगकुक, अगर मिस्टर किम को और एक ग्रैंडसन दे दिया तो हो सकता है मिस्टर किम उसे एक्सेप्ट कर ले। अगर अभी तुम दोनों के प्लानिंग में दूसरा बेबी नहीं है तो प्लानिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि बेबी आने में 9 महीना लगता है। तभी ओल्ड मिस्टर किम वहाँ आ जाता है। मिस्टर किम वायन से कहता है, वायन, तुम जाकर तैयांग के पास बैठ जाओ। वायन मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वायन ठीक है कहकर तैयांग के पास एक कुर्सी लेकर बैठ जाता है। मिस्टर किम तस्वीर खींचने वाले को बुलाकर वायन और तैयांग दोनों के साथ में पिक्चर खींचने के लिए कहता है। मिस्टर किम पिक देखकर कहता है, सो अमेजिंग, जैसा मैंने सोचा था। फिर अपने पत्नी से कहता है, लुक हनी, वायन के साथ तैयांग के जोड़ी कितना अच्छा लगता है ना? जोंगकुक मन में कहता है, जोड़ी? तैयांग के फादर के बात सुनकर जोंगकुक के हाथ से स्पून छूटकर उसके थाइस पर गिर जाता है। वायन कहती है, अरे तुम्हारे ड्रेस तो खराब हो गया है, रुको मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। मिस्टर किम कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वायन, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। जोंगकुक टिश्यू लेकर इसे क्लीन करने लगता है, लेकिन ये नहीं हो रहा था। मिस्टर किम कहता है, ऐसी शादी में रहने का क्या फ़ायदा जिसे तुम प्यार नहीं करते हो? वायन और तुम परफेक्ट मैच हो, एक डंप के लिए अपनी लाइफ को खराब मत करो। मिसेस किम कहती हैं, हनी ये तुम क्या बोल रहे हो? हो सकता है कि वायन को पहले से ही कोई और पसंद हो। मिस्टर किम कहता है, वेट वायन, क्या तुम्हारे दिल में कोई और लड़का है? वायन कहती हैं, नहीं। तभी तैयांग कहता है, दूसरी शादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी हमारे शादी के सिर्फ कुछ ही साल हुआ है और हम अभी भी न्यूली वेडेड कपल की तरह हैं और हम अभी बच्चा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जोंगकुक जितना तैयांग को सुन रहा था उतना ही उसके दिल को सुकून मिल रहा था। जोंगकुक मन में कहता है, मुझे पता है तुम ये मेरे लिए कर रहे हो, अगर बेबी के बारे में फादर इन लॉ को पता चल गया तो वो मुझे मेंशन में कैद कर लेंगे, जैसा उन्होंने आयान के टाइम पर किया था। बेबी होने के बाद मुझे बेबी से अलग कर दिया जाएगा ताकि उस पर मेरा शेडो भी ना पड़े। तभी तैयांग के अंकल कहते हैं, फिर भी मुझे यकीन है कि तुम दोनों को ज़रूर बोर तो फील होता ही होगा। तैयांग जोंगकुक के शोल्डर पर हाथ रखकर कहते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों को ज़रा भी बोर फील नहीं होता है, बल्कि हम दोनों तो अभी भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तैयांग नहीं चाहता उसके अंकल आंटी को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता चले। जोंगकुक के आँखें तो बस तैयांग के हाथ को ही देखे जा रहा था जो उसके कंधे पर था। आंटी कहती है, तैयांग मुझे तुम्हारे बात बहुत अच्छी लगी, तुम बिल्कुल जानते हो कि कैसे इस तरह के सिचुएशन से डील करके बाहर निकला जाए। जोंगकुक मन ही मन कहता है, हाँ तैयांग एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेता है, अगर वो कोई बिजनेसमैन नहीं होता तो वो एक महान एक्टर होता, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। जोंगकुक अब तैयांग के इस तरह के बिहेवियर के आदि हो चुका था। अंकल कहता है, जोंगकुक तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो अगर तुम दोनों अभी भी बच्चा प्लान नहीं कर रहे हो? जोंगकुक तुम तैयांग के कंपनी में कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? तुम सोशल वर्क करना क्यों नहीं स्टार्ट कर देते? ये तैयांग के स्टेटस के साथ मैच भी होता है। तैयांग कहता है, अंकल आंटी जोंगकुक अभी सिर्फ 23 साल का है,
मैं नहीं चाहता इतने यंग एज में उस पर इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। तयंग के आंटी कहती हैं, यंग है इसलिए तो कह रही हूँ, अभी बेबी बर्थ करने में आसानी होगा। बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चा पैदा करने में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ तुम नहीं समझोगे। ऐसे भी अमीर लोगों के बच्चों का ध्यान तो नैनी सी करते हैं। जॉन्ग कुक, क्या तुम भी अपने हस्बैंड की तरह ही सोचते हो? तुम्हें एज के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें बच्चा पैदा करते रहना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों की शादी कम उम्र में हुई है तो तुम दोनों इसे सार्थक बना सकते हो। तभी जे होप अपने मादर को रोकने के लिए कहता है, मॉम आज इतनी खुशी की दिन है तो मैं नहीं चाहता आप ऐसी बातें करके मेरे कजिन और मेरे ब्रदर इन लॉ की मूड स्पॉइल करे। ये उन दोनों का लाइफ है तो डिसीशन भी उन दोनों का ही होना चाहिए, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। चलो कुछ और बात करते हैं। तभी ओल्ड मिस्टर किम कहता है, मैं अपने सन को किसी डम के साथ होल लाइफ नहीं देखना चाहता, वो हमारे फैमिली में कहीं से भी फिट नहीं बैठता है। वैन हर तरह से तयंग के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट वीक मैं वैन के फादर से मिलूंगा और उनसे तयंग और वैन के शादी के बात करूंगा। तयंग बिना किसी एक्सप्रेशन के कोल्डली कहता है, डैड अगर आप इस टॉपिक पर बात करते रहे तो मैं इसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं अब जाने की परमिशन चाहता हूँ। मिसेस किम कहते हैं, बेबी तुम अपने डैड पर नाराज मत हो। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है, हनी ये तयंग के लाइफ है, हमें उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जॉन्गकुक खुद को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो ना रोए। जॉन्गकुक अपने घुटनों पर कस कर दोनों हाथ मुट्ठी करके बैठा हुआ था। जॉन्गकुक मन में कहता है, मुझे फिर से एक बार ये एहसास हुआ कि मैं इन लोगों में फिट नहीं बैठता, इसमें मैं कहाँ से गलत हूँ अगर मैं जन्म से बोल नहीं सकता। जॉन्गकुक इस कन्वर्सेशन से खुद को दूर रखने के लिए कुर्सी से उठकर खड़े होकर तयंग के तरफ देखकर साइन लैंग्वेज में कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रहा हूँ, इसे क्लीन करना है। तयंग ठीक है कहता है। जॉन्गकुक वॉशरूम आकर पानी में हैंड की गीला करके इसे पैंट के ऊपर लगी दाग क्लीन करने की कोशिश करता है, दाग निकाल ही नहीं रहा था। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मिस वायन और तयंग की शादी में ये सब कुछ नहीं देख सकता, मुझे अब यहाँ से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मे भी मुझे तब तक यहाँ रहना चाहिए जब तक तयंग ए ना कहे कि चलो अब घर जाना है। तभी पीछे से तयंग के आंटी कहती हैं, अरे तुम अभी तक वॉशरूम में हो? जॉन्गकुक कुछ नहीं कहता, बस साइलेंट होकर खड़े रहता है। आंटी हैंड पर्स से लिपस्टिक निकालकर लिप्स पर अप्लाई करते हुए फिर से कहती है, तुम्हारे और तयंग के बीच में सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या तुम्हारे इन लॉज अभी भी तुम पर टॉर्चर करते हैं? जॉन्गकुक पेन निकालकर पेपर पर लिखकर आंटी के तरफ आगे करता है, नहीं मैं खुश हूँ, कोई मुझे टॉर्चर नहीं करता। आंटी इसे रीड करने के बाद कहती है, तुम एक लेडी नहीं हो इसलिए तुम्हें अपने शादी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना एक दिन तयंग खुद किसी लड़की के साथ शादी करने की बात करेगा। तुम्हें अपने हस्बैंड पर कंट्रोल करना सीखना होगा, अपने अंदर थोड़ा नज़ाकत और अदाएँ लानी होगी, अपने हस्बैंड को सीड्यूस करने का तरीका जानना होगा जिसे वो तुम्हारे तरफ झुकाव महसूस करे। ए मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ क्योंकि तुम बोल नहीं सकते हो, आधा देखा कर उसे काबू में रखना होगा। जॉन्गकुक मन में कहता है, मुझे अपने हस्बैंड पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए? आंटी मुझसे इस तरह के बात कैसे कर सकते हैं? मैं ही हूँ वो इंसान जिसे तयंग खुद कंट्रोल कर रहा है। जॉन्गकुक बिना कुछ कहे वॉशरूम से निकलकर गार्डन एरिया में आ जाता है। उसे अंदर घुटन महसूस हो रहा था इसलिए वो बाहर वॉक कर रहा था। तभी पीछे से तयंग कोल्ड एंड डीप वॉइस में कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें सुनाई देना भी बंद हो गया है? और तुम्हारे ड्रेस के साथ क्या हुआ है? जॉन्गकुक कहता है, मैंने बहुत कोशिश की पर ये क्लीन नहीं हुआ, आई एम सॉरी। तयंग कहता है, सच में तुम हमेशा मुझे एम्बरेस ही करते हो, इट्स टाइम टू गो, चलो सबसे बाय बोलकर यहाँ से चलते हैं। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, एक मिनट
मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तेयंग कहता है, अभी नहीं। ये कहकर तेयंग वहाँ से जाने लगता है। जोंगकुक उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी मिसेस किम कहती है, बेबी जल्दी आओ, हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। जोंगकुक पीछे से तेयंग का हाथ पकड़ लेता है। तेयंग अपने मादर के तरफ देखकर स्माइल करके कहता है, जस्ट अ सेकेंड मॉम, आई नीड टू टॉक विद जोंगकुक। जेहोप कहता है, व्हाट अ लव बर्ड, आई विल सी यू अगेन ब्रदर इन लॉ। ये कहकर जेहोप जोंगकुक के तरफ देखकर अपना हाथ हिलाने लगता है। तेयंग गुस्से से जेहोप के ऊपर आंखें घुमाते हुए कहता है, आई टोल्ड यू कि तुम उसे जोंगकुक कहकर बुलाओगे, नॉट ब्रदर इन लॉ। तेयंग जोंगकुक के तरफ गुस्से में घूरते हुए कहता है, जस्ट से इट। जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, सबके सामने तुमने जो कहा क्या वो सच है? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तेयंग कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सबके सामने ये दिखाना नहीं चाहता था क्या हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है और मैं किस तरह के लाइफ जी रहा हूँ। जोंगकुक फिर से कहता है, और उनको नहीं पता कि मेरे लिए कितना मुश्किल है ऐसे रिश्ते में रहना। तेई, आई थिंक हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तेयंग कहता है, तुम्हारी छोटी सी दिमाग में ये बात फिट क्यों नहीं होता कि मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, कभी नहीं। अब तुम ये बताओ, क्या मेरे आंटी ने तुम्हें अलग से कुछ कहा है? जोंगकुक कहता है, हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है। तेयंग का नज़र अचानक जोंगकुक के नेकलेस पर पड़ता है। उसमें क्लियरली वाइन उसे अपने ओर घूरते हुए दिखाई देता है। तेयंग बिना कुछ कहे जोंगकुक को कमर से पकड़ कर खींच कर अपने करीब लाकर उसे हक कर लेता है। तेयंग के सडन एक्शन से जोंगकुक के बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।